हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से 15 अगस्त 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। अभी के इस क्लास में हम करंट अफेयर के जिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट हमारे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में अपलोड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप को आप ओपन करेंगे तो उसके होम पेज में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 लाइन्स मिलेगा। 3 लाइन्स पर क्लिक कीजिएगा, जिसमें फ्री टेस्ट अटेम्प्ट का ऑप्शन है। वहां पर आपको 1 से 15 अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है भारत में रामसर आद्र भूमि नेटवर्क का हुआ विस्तार। रामसर आद्र भूमि, नाम से स्पष्ट है आद्र भूमि। रामसर आद्र भूमि हाल ही में 14 अगस्त 2024 को भारत में 3 नए स्थानों को रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया। रामसर साइट्स, जिसके अंतर्गत नम भूमि आद्र भूमि क्षेत्र को शामिल किया जाता है, या ऐसी भूमि जहां पर वर्षा ऋतु में पानी जमा होता हो, काफी लंबे अवधि के लिए पानी जमा होता हो, उस क्षेत्र को रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब ये जो रामसर साइट्स, इसमें आद्र भूमि को तो शामिल करते हैं, लेकिन इस जगह को रामसर साइट्स क्यों कहा जाता है, इसे भी समझ लीजिए। 1971 को ईरान देश का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। शहर का नाम है रामसर। इस रामसर शहर में यूनेस्को के द्वारा आद्र भूमि से संबंधित पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था। पहला कन्वेंशन, पहला सम्मेलन इस ईरान देश के रामसर शहर में आयोजित हुआ था, जिसमें आद्र भूमि या नम भूमि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी। विश्व में ऐसे कोई भी स्थान जो कि नम क्षेत्र है, आद्र भूमि क्षेत्र है, उसे रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अभी हाल ही में हमारे भारत के 3 स्थानों को रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन कौन सा? तमिलनाडु के 2 स्थान और मध्य प्रदेश का 1 स्थान। तमिलनाडु के 2 पक्षी अभयारण्य है, एक है आपका नंजरायण पक्षी अभयारण्य, दूसरा है आपका कझुवेली पक्षी अभयारण्य, दोनों के दोनों तमिलनाडु में है, और तीसरा है मध्य प्रदेश का तवा जलाशय, मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। इन 3 स्थानों को अभी 14 अगस्त 2024 को रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया है, और इन 3 स्थानों को शामिल किए जाने के साथ ही भारत में अब रामसर साइट्स की संख्या हो गई है कितनी? 85। इस 85 डिजिट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2024 तक के स्थिति में भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? 85। हाल ही में भारत में किन 3 नए आपके आद्र भूमि क्षेत्र को रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? आपके तमिलनाडु के 2 पक्षी अभयारण्य नजरायण और कझुवेली, और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। हमारा छत्तीसगढ़ का भी एक आपका गिधवा परसदा, जो जहां पे पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ था बेमेतरा का, राज्य शासन इस गिधवा परसदा वाले क्षेत्र को भी इस रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी वो शामिल हुआ नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है। कभी भी छत्तीसगढ़ से अगर कोई एक स्थान इस रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल होगा तो वो होगा आपका गिधवा परसदा क्षेत्र, जहां पर पहले पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा, इनके नाम से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, हमारे ओलंपिक स्टार ओलंपिक प्लेयर है। पेरिस ओलंपिक अभी 2024 में ग्रीष्मकालीन आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, इस पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, रजत पदक जीता।
89.45 मीटर 89.45 मीटर इतनी दूरी का इन्होंने भाला फेंका, जेवेलियन फेंका, और इस आपके इतनी दूरी फेंकने के साथ इन्होंने रजत पदक जीता। इनसे तो वैसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन गोल्ड मेडल किसने जीता? गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर 92.97 मीटर दूरी का भाला फेंक करके इन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया, और ओलंपिक रिकॉर्ड सेट करने के साथ साथ इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। इनका भी नाम आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा के साथ साथ हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उनके जो प्लेयर है आपके अरशद नदीम, इनके नाम को भी याद रखिएगा, और इन्होंने कितनी दूरी का भाला फेंका इसे भी याद रखना है। आपको नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का फेंका इसको तो याद रखना ही है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के जो प्लेयर है आपके अरशद नदीम, इनका भी याद रखना है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। ये जो जेवेलियन थ्रो है ना, सबकी निगाहें इस नीरज चोपड़ा के ऊपर थी कि ये गोल्ड लेकर के आएंगे। और अगर हम इनकी बात करें, अरशद नदीम, इन्होंने पहला फाउल फेंका था, और लगातार फाउल फेंकने के बाद इन्होंने 92.97 इतनी दूरी का भाला फेंक करके इन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, जिस परिस्थिति, जिस परिवेश से निकल करके आया है ना ये, इस ओलंपिक खेल में शामिल होने के लिए अपने गांव वालों से चंदा लेकर के आए थे। जो आपका जेवेलियन, जो भाला फेंका जाता है, ये लगभग 80,000-90,000 रुपए का आता है। ये खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे प्रैक्टिस के लिए। गांव वालों ने चंदा करके उनको जेवेलियन खरीद करके दिया, प्रैक्टिस किए, ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो गांव वालों ने चंदा करके उन्होंने इसे पेरिस ओलंपिक में भेजा। पाकिस्तान जो है वो खेल को उतना सपोर्ट नहीं करता, केवल उनका निगाह है क्रिकेट के ऊपर रहती है। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, अगर हम बात करें जो पिछला ओलंपिक गेम हुआ था, चार साल में आपके एक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। पिछला ओलंपिक आयोजन हुआ था आपके टोक्यो में 2020 में, जहां पर 87.58 मीटर इन्होंने जेवेलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था, जबकि इसी नीरज चोपड़ा ने अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.45 मीटर, इस डिजिट को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया है, ये वाला जो टोक्यो ओलंपिक है ना, टोक्यो ओलंपिक में कितना मीटर दूर उन्होंने जेवेलियन थ्रो किया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने 89.45 मीटर, आपका 89.45 मीटर जेवेलियन थ्रो करके इन्होंने रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता। अगर इनकी हम उपलब्धियों की बात करें तो 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड, 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल अवार्ड, 2021 में आपका खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 2022 में परम विशिष्ट सेवा मेडल, और 2022 में ही इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ठीक, अभी पेरिस ओलंपिक का अगर हम देखें टॉप थ्री, यानी कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और आपके ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, तो गोल्ड मेडल अरशद नदीम पाकिस्तान ने जीता, सिल्वर मेडल हमारे इंडिया के नीरज चोपड़ा ने जीता, और आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता ग्रेनाडा के पेटर्स ने। ठीक है, इन्होंने जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो इनके नाम को भी थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हॉकी इंडिया ने महान गोल कीपर, हॉकी इंडिया के महान गोल कीपर PR श्रीजेश, इनका भी नाम याद रखना है। देखिए, अभी जो अगस्त का महीना बीता ना, ये पूरा का पूरा पेरिस ओलंपिक खेलों से ही संबंधित आपको इसमें करंट अफेयर पढ़ने हैं। PR श्रीजेश ये कौन है पूछा जाए तो, हमारे भारतीय हॉकी टीम के ये गोलकीपर है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक, चर्चा में हॉकी इंडिया ने 16 नंबर की इनकी जर्सी को भी रिटायर कर दिया। जो ये टी शर्ट पहनते हैं जिसके ऊपर प्लेयर नंबर 16 लिखा होता है, तो इस 16 नंबर के जर्सी को हॉकी इंडिया ने रिटायर कर दिया इनकी उपलब्धियों को देखते हुए। श्रीजेश ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके हॉकी से संन्यास ले लिया। ठीक है, PR श्रीजेश जब जूनियर हॉकी टीम के, अब जो है ये जूनियर हॉकी टीम के कोच होंगे, भारतीय जूनियर हॉकी टीम के अब इन्हें कोच बना दिया गया है। इनका अगर हम डेब्यू की बात करें तो वर्ष 2006 में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के लिए इन्होंने डेब्यू किया था। उपलब्धियों की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024, लगातार दो ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता,
पीआर श्रीजेश ने 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। वे 2021 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी है। उन्होंने 2021 और 2022 में लगातार FHI फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FHI गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीते हैं। ये इनकी उपलब्धियां हैं, इन्हें भी एक एक बार रीड कर लेना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में भी ये भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे और गोलकीपर थे, इसमें भी भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक, तो इनके जर्सी नंबर 16, जर्सी नंबर को भी याद रखिएगा। इनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारतीय आपके हॉकी इंडिया ने इनके जर्सी नंबर 16 को भी रिटायर कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, कुछ मेन उपलब्धियों को ध्यान दीजिएगा। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 2017 में ये जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। 2015 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह गोलकीपर अवार्ड से तो ये बहुत बार सम्मानित हुए, 2023 2021। ठीक है, इधर आपका 2015 बहुत बार ये सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। अर्जुन अवार्ड कब मिला, मेजर ध्यानचंद अवार्ड कब मिला, पद्मश्री कब मिला, इन ईयर को थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए, अगर ओलंपिक गेम्स की हम बात करें तो 2024 पेरिस ओलंपिक में, जिसमें पीआर श्रीजेश भी खेल रहे थे, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, रियो ओलंपिक और लंदन ओलंपिक में कोई भारतीय हॉकी टीम का खास प्रदर्शन नहीं रहा। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, बर्गिंगम 2022 में सिल्वर मेडल जीते और आपके ग्लासगो 2014 में सिल्वर मेडल जीते। अगर एशियन गेम्स की बात करें तो 2022 में होंगझोऊ जो आपके एशियन गेम्स हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीते थे। जकार्ता 2018 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियन गेम्स में। इनकी उपलब्धियों को एक बार याद रख लेना। ठीक है, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने गुरुवार 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में डिसक्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया। इस बार पेरिस ओलंपिक में ये प्लेयर आपकी काफ़ी चर्चा में रही, उम्मीद थी इनसे गोल्ड मेडल लाने की। सिल्वर मेडल पे तो इन्होंने कब्जा कर लिया था, अब ये गोल्ड के लिए खेलने वाली थी, लेकिन गोल्ड के लिए खेलने से पहले इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कारण क्या था, 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी से, जो 50 किलोग्राम का कैटेगरी में वो खेलने वाली थी, उससे 100 ग्राम ज़्यादा निकला। ठीक है, देखिए, जो आपके कुश्ती में जो शामिल होते हैं ना, उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है वजन के हिसाब से। 50 किलोग्राम कैटेगरी के लिए खेल रही थी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पे भी कब्जा कर लिया था, यानी कि उसकी दावेदार बन गई थी। फिर सिल्वर मेडल की भी दावेदार बन चुकी थी, गोल्ड के लिए खेलने वाली थी। लेकिन जैसे ही फाइनल मैच में उतरने का समय आया, उनका जो कैटेगरी में जो उनका किलोग्राम, जो उनका वजन निर्धारित था, 100 ग्राम इनका वजन ज़्यादा हो गया। अपने वजन को कवर अप करने के लिए रात भर इन्होंने एक्सरसाइज किया, नाखून काटे, बाल छोटे करवाए, कपड़ों के भी वजन कम करने का कोशिश किया, लेकिन वजन इनका कम नहीं हो पाया और इन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया। इस बार बहुत चर्चा में रही ये विनेश फोगाट, इनका नाम याद रखिएगा, किस खेल से संबंधित है, भारतीय रेसलर है, कुश्ती से इनका संबंध है। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए इन्हें जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीत करके 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। फाइनल मैच में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला रेसलर थी। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी के लिए खेल रही थी, इससे पहले वो 53 किलोग्राम के लिए खेलती थी। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस बार काफ़ी चर्चा में थी, किस खेल से संबंधित थी उसे भी याद रखना है। ठीक, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजल्स को सौंपी गई। अभी जो आपका पेरिस में जो 2024 का ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, ये 33वां संस्करण था। 34वां संस्करण यानी कि अगले ओलंपिक, इसकी मेजबानी किसे सौंपी गई है, इसकी मेजबानी सौंपी गई है आपके लॉस एंजल्स को। उद्घाटन समारोह, अभी अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक जो 33वां जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ, इस
पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ पूछा जाए तो सीन नदी में। ये सीन नदी काफी चर्चा में रहा, ठीक है। पहला मौका था कि किसी ओलंपिक खेल की ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह स्टेडियम से बाहर किसी अन्य स्थान पर किया गया यानी कि नदी में किया गया। तो ये सीन नदी को भी याद रखिएगा। इस सीन नदी में ना जो तैराकी प्रतिस्पर्धा भी होनी थी, तैराकी प्रतिस्पर्धा हुई भी, लेकिन ये सीन नदी प्रदूषण के कारण भी काफ़ी चर्चा में रही। उस ये नदी के जो आपका प्रदूषित जल था उससे बहुत सारे आपके स्विमर्स उनका तबीयत खराब हो गया था, ठीक। तो सीन नदी में उद्घाटन समारोह हुआ था पेरिस ओलंपिक का, और जबकि इसका समापन समारोह पेरिस के फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ और इसका समापन यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पर हुआ, इसे याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने एथलीटों और फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चेट इनका भी नाम याद रखना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ये फ्रांस के तैराक है, फ्रांस के स्विमर है। लियोन मार्चेट के साथ मेजबान शहर पेरिस फ्रांस में 11 अगस्त 2024 को ओलंपिक की लौ बुझाई। ओलंपिक में जनरली क्या होता है, मशाल, जब कभी भी ओलंपिक खेल की शुरुआत होती है तो मशाल जलाया जाता है, और जब कभी भी इसका समापन होता है तो उस मशाल की लौ को बुझाया जाता है। तो मशाल की लौ को बुझा करके आधिकारिक रूप से 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का समापन की घोषणा की गई। प्रतीकात्मक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय झंडे को लॉस एंजिल्स शहर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित लॉस एंजिल्स शहर को सौंपा गया, और जो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। समापन समारोह जो आपके पेरिस ओलंपिक में जो समापन समारोह हुआ उसमें हमारे भारत की मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, हॉकी के पीआर श्रीजेश भारतीय ध्वजवाहक थे इस समापन समारोह में। तो कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं, समापन समारोह जिसमें ध्वजवाहक कौन थे, मनु भाकर, ये भी आपके काफ़ी चर्चा में थी, आपके निशानेबाजी से संबंधित है, और हॉकी के पीआर श्रीजेश, ये ध्वजवाहक थे। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई, सीन नदी में। क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पर हुआ, फ्रांस डी स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम में, ठीक है। और इस आपके प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनका थोड़ा सा उपलब्धि लिखा हुआ है। फ्रांस के 22 साल के तैराक लियोन मार्चेट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन किया। लियोन मार्चेट ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते। हमारा भारत जो कि 1 सिल्वर मेडल से संतुष्ट हो गया, इतने सारे प्लेयर गए थे, वहीं पर फ्रांस के लियोन मार्चेट 22 साल के, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, 22 साल के लियोन मार्चेट ने 4 गोल्ड मेडल जीता। एक ही व्यक्ति ने 4 गोल्ड मेडल जीता, 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। देखिए, गोल्ड मेडल अपने नाम किया, बता दे पेरिस ओलंपिक में 19 देशों ने ही 4 या 4 से अधिक गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। केवल 19 देशों ने ही अपने 4 या 4 से अधिक गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। ऐसे में लियोन मार्चेंट ने गोल्ड मेडल जीतने के मामले में 187 देशों और ओलंपिक कमेटी को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। 187 देश, इससे भी ज़्यादा गोल्ड मेडल इस आपके लियोन मार्चेट ने जीता है। तो लियोन मार्चेट का संबंध किससे है, ये स्विमर है, तैराक है, किस देश के खिलाड़ी है, फ्रांस के खिलाड़ी है, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें भारत में किन किन ने मेडल जीता, तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, उसके अलावा मनु भाकर और शरबजोत की जो दोनों की संयुक्त जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता निशानेबाजी में। नीरज चोपड़ा जो कि जेवेलिन थ्रो से संबंधित है, स्वप्निल कुसाले इसने भी जो है आपके निशानेबाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन सहरावत जिन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता, मनु भाकर जिन्होंने निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और आपका हरमनप्रीत सिंह ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, तो भारतीय हॉकी टीम ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो मेडल टैली में सबसे टॉप में है संयुक्त राज्य अमेरिका,
जो कि 126 मेडल के साथ टॉप में रहा। सेकंड नंबर पर था चाइना जो कि आपके 91 टोटल 91 पदक के साथ सेकंड नंबर पर रहा। जापान रहा थर्ड पे, टोटल आपके 20 गोल्ड 12 सिल्वर 13 आपके ब्रॉन्ज के साथ आपके तीसरे स्थान पर रहा। अगर हम बात करें हमारे भारत देश की तो भारत देश 0 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 6 मेडल इसने जीते और इस पद तालिका में 71वें स्थान पर रहा। जबकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जिसने मात्र एक ही गोल्ड मेडल जीता अरशद नदीम ने, और इस एक गोल्ड मेडल के साथ, क्योंकि गोल्ड के अहमियत बहुत होती है, उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक गोल्ड मेडल के साथ ये हमारे भारत से आगे 62वें स्थान पर रहा इस पद तालिका में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये जो आपके जिन प्लेयर्स ने, जिन खिलाड़ियों ने पदक जीता तो वो किस स्पर्धा में शामिल हुए थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम मनु भाकर की बात करें तो ये निशानेबाज है जो कि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की संयुक्त जोड़ी ने 10 मीटर, ठीक है ये 10 मीटर पर मेन फोकस कीजिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक जीता। देखिए 50 मीटर की बात हो रही है ना, इससे पहले दोनों 10-10 मीटर थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिन्होंने जो है कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता और अमन शेहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पहलवान अमन शेहरावत है। ठीक है, ये सबसे कम उम्र के भारतीय पहलवान है जिन्होंने 21 साल 24 दिन की उम्र में यह आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इनके बारे में एक फैक्ट और ऐड कर लेना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। मैंने जैसे क्या कहा आपको कि पूरा का पूरा जो आपका अगस्त का महीना है, स्पेशली ये शुरू का 15 दिन, 1 से लेकर के 15 अगस्त तक का दिन, इसमें आपको मुख्य रूप से पढ़ना है ओलंपिक गेम्स को, उसी के फैक्ट आपको पढ़ने हैं और जितने भी लाइन लिखे हुए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 2024 को हरमनप्रीत के नेतृत्व में, ये कप्तान है भारतीय हॉकी टीम के, इनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्पेन को हरा करके, ये भी नाम याद रखना है ना, किसको हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो स्पेन को हरा करके, स्पेन को 2-1 से हरा करके कांस्य पदक जीता। ये खेल खेला गया फ्रांस के यूवेस डू मनोइर स्टेडियम में, ये आपका मैच हुआ था। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के बाद यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य पदक है। जो ओलंपिक गेम्स है 4 साल में एक बार होता है, पिछला ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020, 4 साल बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक, दोनों ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में दोनों गोल, ठीक है 2-1 से हराया, दोनों गोल जो है ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत ने किए। भारतीय कप्तान ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में 10 गोल के साथ सर्वोच्च गोल स्कोरर के रूप में जो है समापन किया। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत जर्मनी से 3-2 से हार गया था। पेरिस ओलंपिक में नीदरलैंड को गोल्ड मेडल और जर्मनी ने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे भारत को तो ब्रॉन्ज मेडल मिला, लेकिन गोल्ड मेडल किसे मिला, नीदरलैंड की टीम को, और सिल्वर मेडल किसे मिला, वो मिला जर्मनी की टीम को। अगर हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के रिकॉर्ड की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया, और इस कांस्य पदक को जीतने के साथ ओलंपिक खेलों में, केवल पेरिस ओलंपिक की बात नहीं हो रही है, अभी तक की ओलंपिक खेलों में हमारी भारतीय हॉकी टीम ने कुल 13 पदक जीते हैं। ठीक, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 आपका कांस्य पदक जीता है। अब तक सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक ये जो है भारतीय हॉकी टीम, लगभग 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर मेडल्स की हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो है खेलों के नाम दिए गए हैं, जो आपका एस्टरडम में 1928 में गोल्ड मेडल, लाइन से अगर आप देखेंगे तो शुरू में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है 1928 में,
उसके चार साल बाद जो ओलंपिक गेम्स हुआ, लगातार दो बार गोल्ड मेडल, उसके चार साल बाद फिर जो बर्लिन में हुआ इसमें भी गोल्ड मेडल, उसके बर्लिन के बाद फिर देखिए ये यहाँ पे लाइन से लगातार चार चार साल के गैप में गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, ठीक। उसके बाद आपका लंदन ओलंपिक 1948 में, आज़ादी के बाद गोल्ड मेडल, 1952 में गोल्ड मेडल, 1956 मेलबर्न में गोल्ड मेडल, रोम 1960 में सिल्वर मेडल, टोक्यो 1964 में गोल्ड मेडल, उसके बाद मेक्सिको सिटी और म्यूनिक सिटी, दो ये दो आपके ओलंपिक गेम्स है ब्रॉन्ज मेडल। और अभी अगर हम अभी की बात कर लेटेस्ट की तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज और पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल, लगातार दो बार ब्रॉन्ज मेडल जीते, लेकिन सबसे ज्यादा 8 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और आपका टोटल 4 ब्रॉन्ज मेडल, इस प्रकार से टोटल 13 मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। देखिए 8, 4, 12 और 1, 13 इंपॉर्टेंट है, इस आंकड़े को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पांचवे गोल्डन स्लैम विनर नोवाक जोकोविच, पांचवे गोल्डन स्लैम विनर, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लगभग 90 से 95% है। नोवाक जोकोविच, यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप ग्रैंड स्लैम मत पढ़ना, ये क्या है, गोल्डन स्लैम है, नॉट ग्रैंड स्लैम। पांचवे गोल्डन स्लैम विनर बने आपके नोवाक जोकोविच। सर्बिया, सर्बिया देश के यह दिग्गज खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच ने टेनिस का गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया है। गोल्डन स्लैम में क्या होता है, जो चारों आपके ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक का गोल्ड मेडल जिस भी खिलाड़ी ने टेनिस में जीता है उसे गोल्डन स्लैम विनर माना जाता है। टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम, चार ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं, जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ऐसा प्लेयर जिसने ग्रैंड स्लैम की चारों प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता हो और साथ ही साथ किसी भी एक ओलंपिक खेलों में उसने अगर गोल्ड मेडल जीता है तो उसे गोल्डन स्लैम विनर कहा जाता है। तो नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें तो इन्होंने अब तक 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 फ्रेंच ओपन, 7 विंबलडन, 4 यूएस ओपन जीता है और अभी इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 में एक ओलंपिक मेडल, एक गोल्ड ओलंपिक मेडल जीत करके इन्होंने गोल्डन स्लैम विनर का खिताब भी इन्होंने पा लिया, ठीक। जोकोविच ऐसा करने वाले पांचवें टेनिस प्लेयर है। इससे पहले स्पेन के राफेल नडाल, अमेरिका की सेरेना विलियम, अमेरिका के ही आंद्रे अगासी और जर्मनी के स्टेफी ग्राफ ही कैरियर ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड स्लैम नहीं, यहाँ पे गोल्ड स्लैम आएगा, गोल्डन स्लैम ये जीते हैं। और इन चार के बाद पांचवें है आपके सर्बिया के नोवाक जोकोविच, ठीक, चार ग्रैंड स्लैम और एक ओलंपिक गोल्ड के साथ। जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में मेन सिंगल के फाइनल मैच में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को फाइनल में हराया। यह जोकोविच के करियर का पहला ओलंपिक गोल्ड है। जोकोविच ने इससे पहले 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 2008 में इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता था, ठीक। देखिए ये जो आपके हर एक जो आपका टेनिस का ये जो खेल होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या यूएस ओपन, इसको कहा जाता है आपका ग्रैंड स्लैम, ठीक। और ओलंपिक मेडल के साथ अगर जिन्होंने चार ग्रैंड स्लैम जीते हैं उन्हें गोल्डन स्लैम विनर कहा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण 1 से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित होगा। इस अभ्यास में 14 देश हिस्सा लेंगे, 14 देशों के मध्य यह युद्धाभ्यास होगा जिसमें से 10 के पास एयर एसेट्स है, एयर एसेट्स यानी कि विमान की बात हो रही है। इसमें भारतीय वायुसेना और विदेश के कुल 150 विमान शामिल होंगे। तो तरंग शक्ति क्या है, तरंग शक्ति वायुसेना युद्धाभ्यास है, ठीक है। थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तो ये क्या है, वायुसेना, एयरफोर्स, वायुसेना युद्धाभ्यास है जो कि जोधपुर में होगा राजस्थान में, ठीक, जिसमें 18 देश के आपके एयरफोर्स शामिल होंगे। शाहरुख खान को मिला पार्डो अल्ला कैरिएरा अवार्ड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान बॉलीवुड फिल्म एक्टर शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरिएरा अवार्ड से नवाजा गया। 58 वर्षीय शाहरुख खान पार्डो अल्ला कैरिएरा अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय है, तो इस अवार्ड को भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
ग्रैंड कॉलर ऑफ द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से, ठीक है, कि तिमोर लेत्से एक देश का नाम है। तिमोर लेत्से देश के राष्ट्रपति जोस रासोम होर्टा द्वारा राष्ट्रपति भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को तिमोरा लेत्से के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से लिस्ते से सम्मानित किया गया, ठीक है। जैसे हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, भारत रत्न, वैसे ही इस तिमोर लेत्से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से, ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह पुरस्कार 10 अगस्त 2024 को इस तिमोर लेत्से देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, देखो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, और यहां क्या लिखा है, दिल्ली, इसमें आधा लग गायब है, तो देखो दिल्ली और दिल्ली दोनों सेम है, तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। तो इस तिमोर लेत्से देश की राजधानी क्या है, दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, आधा लगाता है इसमें, आधा लगाया है, ठीक है। एक आयोजित एक समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारे भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 5 से 10 अगस्त तक तीन देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेत्से का दौरा किया। राष्ट्रपति मुर्मू तिमोर लेत्से की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति है, इसलिए ये देश इंपॉर्टेंट है, इस देश का नाम याद रखना और इसकी राजधानी याद रखना। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान फिजी की राजधानी सुवा का सर्वोच्च, यानी कि फिजी की जो राजधानी सुवा, वहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे पहले 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस पुरस्कार से फिजी में सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 4 नए ऐप लॉन्च किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, जैसे कि आपका आईपीसी, सीआरपीसी, ये सभी का नाम परिवर्तित किया गया, अब उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो ये सुनिश्चित करने के लिए 4 नए ऐप लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से ऐप है, ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु ऐप, न्याय श्रुति ऐप और ई समन ऐप का शुभारंभ किया गया। अब ये ऐप है क्या, ध्यान देना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ई साक्ष्य ऐप, नाम से स्पष्ट है, साक्ष्य, एविडेंस। ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से सभी गवाही, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ई साक्ष्य सर्वर पर सहेजी जाएगी। यह वास्तविक समय के आधार पर सभी अदालतों के लिए उपलब्ध होगा, यानी कि किसी एक केस में पुलिस के द्वारा जो गवाही ली जाएगी उसकी ऑन रिकॉर्डिंग होगी, वीडियोग्राफी की जाएगी, जहां पर जुर्म हुआ है, जहां पर क्राइम हुआ है, उसकी फोटोग्राफी की करके ई साक्ष्य सर्वर पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कहीं किसी दूसरे स्थान पे अदालत में अगर इसकी सुनवाई चल रही है, तो अदालत में बैठे जज इस ऐप में जाकर के ये सारी इस उस आपके क्राइम से रिलेटेड सारे जो एविडेंस है उसे ऐप में ही देख सकते हैं, ठीक है। पहले जो है फिजिकली ऐप को प्रस्तुत करना पड़ता था, अब जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ये सारे साक्ष्य देखे जा सकते हैं। ई समन ऐप, समन ऐप यानी कि समन को आप समझ सकते हैं नोटिस जो जारी होते हैं कोर्ट के तरफ से, पुलिस के तरफ से जो जारी होते हैं आपके नोटिस, तो ई समन ऐप जिसमें अदालतें, ठीक है, अदालतें, पुलिस स्टेशनों और संबंधित व्यक्ति जिसे समन भेजा जाना है को इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन भेजेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन का मतलब मोबाइल ऐप के माध्यम से, जो आपका सोशल मीडिया आप समझ सकते हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर पर समन आ जाएगा। अगर आपने कोई क्राइम किया है, आपके खिलाफ कोई नोटिस होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन भेजा जाएगा आपके ई समन ऐप के माध्यम से। न्याय सेतु ऐप, न्याय सेतु ऐप क्या है, न्याय सेतु ऐप डैशबोर्ड पुलिसिंग, चिकित्सा, फॉरेंसिक, अभियोजन, जेल अधिकारियों को जोड़ेगा। यह पुलिस को वास्तविक समय के आधार पर जांच से संबंधित सभी जानकारी देगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई एक क्रिमिनल केस हुआ, सबसे पहले पुलिस में FIR होगा,
अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उसके पोस्टमार्टम के लिए उसे हॉस्पिटल भेजा जाएगा, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी, उसका अभियोजन और जेल अधिकारी यानी कि जिसने क्राइम किया उसको जेल भेजा जाएगा। तो इन सभी के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बैठाएगा, ठीक है। एक अकेले केस से रिलेटेड जानकारी को जुटाने के लिए अलग अलग जो है ये आपके पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट, इन सभी को जो है आपस में लिंक करने का कार्य करेगा न्याय सेतु। यह पुलिस को वास्तविक समय के आधार पर जांच संबंधी सभी जानकारी प्रदान करेगा, यानी कि अगर जेल में कोई अधिकारी बैठा है उसको अगर आपके मेडिकल रिपोर्ट देखना है, फॉरेंसिक रिपोर्ट देखना है, तो वो आपके न्याय सेतु के माध्यम से देख सकता है डायरेक्ट, ठीक है। न्याय श्रुति ऐप, श्रुति का मतलब सुनना, न्याय श्रुति ऐप, न्याय श्रुति ऐप अदालतों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो अदालत की जो कार्यवाही चल रहा है उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने में सक्षम बनाता है आपका न्याय श्रुति ऐप। तो ये सारे ऐप और उसका उद्देश्य क्या है इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है। प्राथमिक गगन यात्री का चयन, भारत ने इंडो यूएस यानी कि भारत अमेरिका इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट का सिलेक्शन किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इस मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला, इनका नाम पहले याद रखना, शुभांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने की घोषणा की है। कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को इस मिशन में बैकअप के तौर पर शामिल किया, यानी किसी कंडीशन पर शुभांशु शुक्ला नहीं जा पाते हैं तो उस कंडीशन में बैकअप में तैयार रहेंगे कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC ने एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है, जो भारत और अमेरिका के संयुक्त रूप से एक्सियोम 4 मिशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सियोम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले मनुष्य को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। चीन में इन एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री को टाइकोनॉट्स कहते हैं। रूस में इन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों को कहा जाता है कॉस्मोनॉट्स, ठीक है, कॉस्मोनॉट्स। और भारत में हम इन अंतरिक्ष यात्रियों को कहते हैं क्या, गगन यात्री। गगन यानी कि आसमान, आसमान की यात्रा करने वाले, तो हमारे यहाँ अंतरिक्ष यात्री को गगन यात्री कहा जाता है। हमारे भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय थे, ठीक है। इससे पहले केवल राकेश शर्मा ही अंतरिक्ष में गए हैं। 3 अप्रैल 1984 को उन्होंने सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 पर सवार होकर के अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इसके बाद भारतीय मूल की दो महिलाएं, जैसे अगर हम बात करें कल्पना चावला, वो आपके अमेरिकी यात्री थी, भारतीय मूल की जरूर थी लेकिन अमेरिका का सिटीजनशिप था। उसके अलावा सुनीता विलियम, वो भी भारतीय मूल की है लेकिन उनका सिटीजनशिप कहाँ का है, अमेरिका का है। एकमात्र भारतीय यानी कि भारत की नागरिकता वाले अंतरिक्ष यात्री वो राकेश शर्मा है। अब दूसरे भेजे जाएंगे शुभांशु शुक्ला और बैकअप में रहेंगे कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, इनके नाम को याद रखना है, ठीक है। 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 500 सूची में भारतीय कंपनी शामिल। इस साल इस सूची में 9 कंपनियों को शामिल किया गया टॉप 500 में, ठीक है, जिसमें RIL रिलायंस इंडस्ट्री सबसे शीर्ष पर है। भारतीय कंपनी की सूची उनकी रैंक के साथ निम्नलिखित है, इसमें भारतीय कंपनी का नहीं, मैं पूरा ओवरऑल वर्ल्ड का यहाँ पर रैंकिंग दिया है। फर्स्ट नंबर पर है वॉलमार्ट जो कि अमेरिकी कंपनी है टॉप 500 में। सेकेंड नंबर पर है अमेज़ॉन जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये भी अमेरिका की कंपनी है। थर्ड नंबर पर है स्टेट ग्रिड जो कि चाइना की कंपनी है। हमारे देखिए यहाँ तो टॉप 500 की है लेकिन टॉप 100 में हमारे भारत की केवल 2 कंपनी शामिल है। एक है आपके रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अंबानी की, ठीक है, भारत की कंपनी, और एक है जीवन बीमा निगम जो LIC, ये आपके भारत की, आपके रिलायंस जो है ये 86वें स्थान पर है, 95 नंबर पर है आपकी LIC, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, एक बार इनका नाम याद रख लीजिएगा, ये हमारे भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे नटवर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ 2004-05 के दौरान। ये UPA गवर्नमेंट में भारत के विदेश मंत्री थे, तब भारत के प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है याद रखना, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इसकी शुरुआत वर्ष 2023 से हुई, 2023 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जैसे भारत में नागरिकों को नागरिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपका भारत रत्न, उसके अलावा पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये नागरिक सम्मान प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार से
विज्ञान के क्षेत्र में जो जिन्होंने आपके अभूतपूर्व कार्य किए उनकी उपलब्धियों को देखते हुए विज्ञान के क्षेत्र में भी सेम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के जैसे ही पुरस्कार प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई थी पिछले साल 2023 में। ये प्रथम देखिए ये पहली बार है जो ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है 2024 में। स्थापना 2023 में हुई थी लेकिन इसका पहला पुरस्कार अभी 2024 अगस्त 2024 में प्रदान किया गया। प्रथम पुरस्कार की घोषणा 2024 में हुई। इसमें चार श्रेणी में पुरस्कार प्रदान की जाती है, जैसे कि नागरिक सम्मान जो है चार श्रेणी में होता है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, वैसे ही चार श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एक विज्ञान रत्न अधिकतम 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, विज्ञान श्री अधिकतम 25 व्यक्तियों को, ठीक है, विज्ञान युवा जो कि 25 अधिकतम 25 लोगों को, और आपका विज्ञान टीम जो कि अधिकतम 3 टीम को प्रदान किया जाएगा। ये अधिकतम है, इससे कम भी प्रदान किया जा सकता है। कुल 13 क्षेत्र में ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जैविक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य। ऐसे टोटल 13 क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार में कोई नगद राशि प्रदान नहीं की जाती, ठीक है, कोई भी नगद राशि इसमें प्रदान नहीं होता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और एक पदक यानी कि प्रतीक चिन्ह इसमें प्रदान किया जाता है। अगर हम विज्ञान रत्न की बात करें, ठीक है, जो कि सबसे टॉप में है, विज्ञान रत्न पाने वाले हैं प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, जो कि आपके जैविक विज्ञान से संबंधित है। और अगर हम बात करें विज्ञान टीम की, और भी कई लोगों को पुरस्कार मिला है लेकिन आप कम से कम दो को याद रखिए, एक तो विज्ञान रत्न एक ही को मिला है, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को जो कि जैविक विज्ञान संबंधित है, और दूसरा जो टीम का पुरस्कार मिला है वो मिशन चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 काफी फेमस था, उसकी टीम को मिला है आपका टीम पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, इसमें जो है एक थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर के चल रहा हूँ, पृष्ठभूमि, इसमें आपको याद क्या रखना है वो ध्यान देना। 86वां संविधान संशोधन 2002 ने संविधान में संशोधन कर नया अनुच्छेद 21 का शामिल किया, जो कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यह 86वां संविधान संशोधन, संसद ने 86वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 पारित किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है, अभी आपके छात्रावास के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। लेकिन जो शिक्षा का अधिकार है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है। 3 सूची होती है, केंद्रीय सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सूची जिसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति से कानून बनता है। तो शिक्षा का अधिकार क्या है, ये समवर्ती सूची है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और इस राज्य सरकार को अभी तक ऐसे नियम नहीं बनाए हैं, यानी कि कुछ राज्य सरकार है, कौन कौन से राज्य सरकार है वो ध्यान देना, इन राज्य सरकार की जो बात हो रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने 7 अगस्त 2024 को एक सवाल का जवाब देते हुए बताया, राज्यसभा में जानकारी दी कि हमारे देश में पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल, ये जो 4 राज्य है, इन राज्यों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे भारत के 4 राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं है, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन जिसे कावा कप के नाम से जाना जाता है, वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप, देखिए भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में मेजबान नेपाल को 3-2 सेटों से हरा करके चौथी कावा का मतलब मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीत लिया है। फाइनल जो है 7 अगस्त 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित दशरथ स्टेडियम में खेला गया था। यह भारतीय महिला के लिए दूसरा कावा खिताब है, यानी कि सेकेंड बार ये खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, अब कुछ मिसलेनियस है, ठीक है, सिंगल वन लाइनर फैक्ट है लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। BCCI, ठीक है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, इन्होंने पूर्व साउथ अफ्रीका गेंदबाज मोरकोल को भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग का कोच बनाया है, ठीक है, बॉलर्स बॉलिंग के कोच किन्हें बनाया गया है, पूर्व साउथ अफ्रीका गेंदबाज मोरने मोरकोल को, ठीक है। नेक्स्ट है आपके केंद्र सरकार ने
प्रीति सुदन, प्रीति सुदन को यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया है। 14 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी घोषित किया है। मंकी पॉक्स चेचक के जैसे वायरल बीमारी है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी 2024 में WHO विश्व आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस एक वायरस को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी घोषित किया है, तो वो है मंकी पॉक्स को। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने सीनियर IAS अधिकारी TB सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। तो भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? TS सोमनाथन। गौरव, ये गौरव क्या है? गौरव हवा में लॉन्च किए जाने वाला 1000 किलोग्राम का ग्लाइडेड बम है। ग्लाइडेड बम यानी कि तैरता हुआ बम, ग्लाइडेड बम है जो कि लंबी दूरी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ये देखिए, एक पंखों वाला लंबी दूरी तक का ग्लाइडेड बम, यानी कि ऐसा जो है कुछ बम होगा ये, उसमें ऐसे जो पंख बोला जा रहा है ना, ऐसे पंख यानी कि इसके माध्यम से ऐसे तैरते हुए जाएगा। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है MP-ATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित एक बेहतर फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 का शुभारंभ किया गया है। तो फ्लड वॉच इंडिया ऐप ये किससे संबंधित है? बाढ़ के पूर्वानुमान और बाढ़ के प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, थाईलैंड की शीर्ष संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन करने के आरोप में देश के प्रधानमंत्री यानी कि थाईलैंड देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से बर्खास्त कर दिया। देखिए, थाईलैंड हमारे भारत का ही जो है, आप इसको पड़ोसी देश समझ सकते हैं, जिसकी अदालत यानी कि हमारे जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे उसकी संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन के मामले में अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। तो इनका भी नाम याद रख लेना, थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो कि अब तो पूर्व हो चुके हैं, श्रेथा थाविसिन को नैतिकता के उल्लंघन के मामले में उनके पद से बर्खास्त किया गया है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है यानी कि वहां के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि 300 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करने वाली भारत की पहली राज्य सरकार बन गई है। यह नगदी राज्य सरकार की स्वच्छता योजना के तहत प्रदान की जा रही है। 7वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए 300 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो लड़कियों में जो महावारी होती है, ठीक है, जो पीरियड्स की जो समस्या होती है, उस कारण से उनके सैनिटरी पैड खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 300 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है, जो कि 7वीं से 12वीं क्लास तक पढ़ने वाली स्कूली लड़कियों को ये प्रदान किया जाएगा। ठीक, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट, भारत विदेश मंत्रालय ने नेपाल के अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान APN जो कि वहाँ का एक आपका स्पेस सेक्टर का एक स्टार्टअप है नेपाल का, द्वारा विकसित मुनाल उपग्रह, ठीक है, नेपाल के एक स्टार्टअप अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान नेपाल जिसका नाम है, उसने एक उपग्रह विकसित किया है, मुनाल उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को अनुदान दिया। ठीक है, यानी कि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये हमारे भारत का है, हमारा भारत इस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा। कौन सा उपग्रह? मुनाल उपग्रह, जो कि नेपाल का है, और इस मुनाल उपग्रह को विकसित किया है नेपाल के अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान नेपाल APN के द्वारा। ये जो आपका NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ही एक वाणिज्यिक शाखा है। ठीक है, 2024 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इसका विषय क्या था इसको याद रख लेना, क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवाओं का डिजिटल सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग, ये आपका इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित हुआ उसका विषय था। भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय
मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और श्रीलंका के मध्य जो युद्धाभ्यास हुआ वो था, आप इसका नाम था मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, जो कि 12 अगस्त 2024 को श्रीलंकाई सेना प्रशिक्षण स्कूल मदुरु ओया में 10वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। आपको याद रखना है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। भारत और मालदीव ने 10 अगस्त को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि जो हम UPI यूज करते हैं, QR कोड स्कैन करके पेमेंट शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, यानी कि भारत का जो UPI है अब वो मालदीव में भी चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट उदार शक्ति। उदार शक्ति एक सैन्य युद्धाभ्यास है। उदार शक्ति युद्धाभ्यास जो कि भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया एयरफोर्स के मध्य मलेशिया के कुवाटन स्थित अपने अड्डे पर आयोजित हुआ। तो याद रखना उदार शक्ति युद्धाभ्यास ये किसके मध्य हुआ? भारत और आपका मलेशिया के मध्य यह युद्धाभ्यास हुआ। और एक था आपका मैत्री, ठीक है, अब मैत्री शक्ति युद्धाभ्यास जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। ठीक, भारतीय स्टेट बैंक SBI के चेयरमैन ये है आपके चल्ला श्रीवासुल्लु सेट्ठी, शॉर्ट में CS सेट्ठी जो है ये SBI के चेयरमैन बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम, ठीक है, जो ऑनलाइन क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। तो याद रखना डिजिटल शक्ति केंद्र क्या है? डिजिटल शक्ति केंद्र का सम्मान का संबंध जो है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए इसका संबंध है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, सेंटर की बात हो रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा, इनका भी नाम याद रख लेना। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, अच्छा इससे तो हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में हम सारा डिटेल कर चुके हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद वहाँ की जो आपकी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफा दिए जाने के बाद नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन है? मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इस्तीफा किसके इस्तीफा दिए जाने के बाद? प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा दिए जाने के बाद ये जो मोहम्मद यूनुस है इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2006 में। गरीबी मिटाने के लिए 2006 में ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस को संयुक्त रूप से नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत ने 6 से 8 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में पहले बिम्सटेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बिम्सटेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए आपके देश बिम्सटेक। देखिए बिम्सटेक का जो सम्मेलन है कभी वित्त मंत्रियों का सम्मेलन होता है, कभी विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है, कभी शिखर सम्मेलन होता है। पहली बार इसका बिजनेस सम्मेलन आयोजित हो रहा है, पहली बार बिजनेस शिखर सम्मेलन, और जो पहली बार बिजनेस शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है उसकी मेजबानी कर रहा है हमारा भारत। तो पहली बार आयोजित हो रहा है और उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा कि बिम्सटेक का पहले बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दलजीत सिंह चौधरी, जिन्हें BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह में भारतीय नौसेना जहाज INS तबर के साथ 30 जुलाई 2024 को रूसी नौसेना जहाज सोब्रा जिटेलनी के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास, ठीक है, ये युद्धाभ्यास का नाम है समुद्री साझेदारी अभ्यास, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज या समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो हमारी भारतीय नौसेना यानी कि जलसेना और आपकी रूसी नौसेना के मध्य जो है आपका यह समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास हुआ। 3 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ICAE के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया। यह आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र NASC में हुआ। इस साल इस कॉन्फ्रेंस का विषय था ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, ये इस साल का विषय था। केंद्र सरकार ने
मालदीव को दो अतिरिक्त बंदरगाह देने की घोषणा की है। अब मालदीव गुड्स एक्सपोर्ट्स के लिए, गुड्स एक्सपोर्ट्स का मतलब गुड्स मतलब सामान, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, गुड्स एक्सपोर्ट के लिए कांडला सागर बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है का इस्तेमाल करेगा। तो मालदीव हमारे भारत के दो बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है अपने गुड्स एक्सपोर्ट के लिए, गुजरात के कांडला बंदरगाह का और विशाखापट्टनम के और आपके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण 30 और 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ पूछा जाए तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। तो यहाँ पर होता है आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर खत्म। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।